सर, आज अगर आपको इमरान खान साहब को कोई एक मशवरा देना हो तो प्रोग्राम के आखिर में आप क्या मशवरा देंगे इमरान खान साहब को? मैं उनको मशवरा ये दूंगा कि आप घबराइएगा नहीं, हम लोग सब साथ हैं, जो हमारे राइट थिंकिंग लोग हैं इवन इंडिया में, वी आर ऑल सपोर्टिंग यू इन योर फाइट फॉर डेमोक्रेसी एंड रेस्टोरेशन ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। आप के साथ 90% पाकिस्तानी पब्लिक है, ये ओपिनियन पोल ने साबित कर दिया, तो लिहाजा कोई घबराने की बात नहीं है। आप अगेन जो ये सब फॉल्स फ्रिवलस चार्जेस लगे हैं सब खत्म हो जाएंगे एंड यू विल अगेन बिकम द लीडर ऑफ पाकिस्तान। सर, आखिर में मुख्तसरन बताइएगा कि अगर इमरान खान साहब इंडिया में इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं और क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया के हालात में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, आप क्या समझते हैं कि कितने परसेंट पॉपुलेशन इमरान खान साहब के साथ खड़ी होगी? देखो, मैं आपको बिल्कुल सच्ची बात बता रहा हूँ। हमारे भारत में माहौल खराब हो गया है, बड़ा पोलराइज हो गया है, रिलीजियस पोलराइजेशन बहुत हो गया है। तो क्योंकि इमरान खान साहब मुसलमान हैं तो बहुत सारे हिंदू उनको इस वजह से वोट ना दें, वरना मेरा जैसा सेकुलर आदमी तो बिल्कुल उनको सपोर्ट करेगा, वोट देगा। यानी अगर हम सेकुलर इंडियंस की बात करें तो क्या आपके ख्याल में क्या नतीजे होंगे इमरान खान साहब के हक में, कितने परसेंट लोग होंगे? नहीं, हम लोग सब सॉलिडली उनको सपोर्ट करेंगे, मगर हम लोग माइनॉरिटी में ना, इस वक्त इंडिया में भी बड़ी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन हो गई है कि मेजॉरिटी हिंदूज आर सपोर्टिंग दिस बीजेपी जो कि कम्युनल पार्टी है, तो लिहाजा माहौल खराब है हिंदुस्तान में। इट्स वेरी सैड। जैसे आपका खराब है, आपके खराब है क्योंकि वो फैसिस्ट फोर्सेस आ गई हैं, पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट ने जो लगा दी हैं। हमारा खराब है क्योंकि रिलीजियस पोलराइजेशन बहुत हो गया है, जो बड़ा अनफॉर्चुनेट है, क्योंकि हमारे यहाँ जितने आपके यहाँ मुसलमान हैं उतने मुसलमान हमारे यहाँ भी हैं। समझे ना, आपके यहाँ 24 करोड़ मुसलमान है, हमारे यहाँ भी 24 करोड़ मुसलमान है, तो लिहाजा उनको बिल्कुल नजरअंदाज कर देना, दरकिनार कर देना, ये बड़ी गलत चीज हुई है हमारे हिंदुस्तान में। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया सर, आपने प्रोग्राम के लिए खुसूसी तौर पर वक्त निकाला। नाज़रीन, जस्टिस रिटायर्ड मार्कंडेय काटजू साहब हमारे साथ मौजूद थे, उनकी गुफ्तगू आपने सुनी। आज के प्रोग्राम से इतने, अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे और मेरी टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।